हाँ, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत सारा नमस्कार। और पुलिस, हिमाचल पुलिस कांस्टेबल का जो हमारा एक फ्री बैच है, इसकी दूसरी क्लास में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज की इस लाइव क्लास में हम रोजाना की तरह जो जैसे मॉक टेस्ट आपके बीच में रख रहे हैं, बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद हमारी रेगुलर क्लासेज भी, जिसमें हो सकता है कुछ टॉपिक्स भी आपके साथ चर्चा किए जाएँ, लेकिन उससे पहले हमारी क्लासेज में मॉक टेस्ट जारी रहेंगे। और जो कल मैंने आपके साथ कुछ बातें साझा की थी कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए और किन बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उन बातों को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। और अपनी स्ट्रेटजी में अगर उनको आप शामिल करेंगे तो आप अपनी पुलिस कांस्टेबल की इस भर्ती को, इसका जो आफ्टर फिजिकल एंड्योरेंस एंड अदर टेस्ट, आप जब रिटन एग्जाम में बैठेंगे तो आप उसको कर सकते हैं। जी, अनु सिंह जी, दीपक जी, श्वेता खान, पवन, रीता कौशल भी आ गए, आ गए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप जुड़ चुके हैं और आज के इस मॉक टेस्ट की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आप बाद में भी देख सकते हैं इसको ऑफलाइन भी। तो बढ़ेंगे हम पहले कुछ प्रश्नों की तरफ। आज हम मैथ्स भी सॉल्व करेंगे, हिंदी व्याकरण भी करेंगे और जीके भी करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न ये है, ये पॉलिटी और सारे आएंगे इसमें, हिमाचल जीके वगैरह सभी आप देखते चलिएगा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन एंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज वन ऑफ द भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में समान काम के लिए समान वेतन ये किस रूप में निहित है? मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत और आर्थिक अधिकार। आपको ये बताना है कि जो समान काम के लिए समान वेतन है, यानी कि राज्य की दृष्टि में कोई महिला हो या पुरुष हो, अगर वो एक जैसा काम कर रहे हैं तो उनको वेतन सैलरी एक जैसा ही मिलना चाहिए, कि कहाँ पर निहित है? क्या ये आपका एक अधिकार है, ये आपका कर्तव्य है, ये राज्य का सिद्धांत है, ये आपको बताना है। लकी अमित सी आपने लिखा है, सी ऑप्शन। और इसके बाद जो हमारी क्लास होगी उसको भी आप जरूर देखें। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के पास क्या क्या जुडिशियल, फिनेंशियल एंड डिप्लोमेटिक पावर्स होती हैं, उसको हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो क्लास होगी उसको भी देखिएगा। क्या होगा आपको जवाब बताइए जरा। जी, डीपीएसपी आप लिख रहे हैं, रिंकू भाटिया जी गुड इवनिंग। डीपीएसपी आप लोगों ने यहाँ पे लिखा है। अगर इस प्रश्न को आप ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल हमारे डीपीएसपी में उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करें आपसे किस तरह के प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, तो सबसे पहले तो ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का उल्लेख कहाँ पे है, तो डीपीएसपी एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है, इनका उल्लेख किया गया है। और भाग चार में इनका उल्लेख है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है फोर, इसमें उनका उल्लेख किया गया है। दूसरी बात, आप ये ध्यान रखें कि इसके संबंध में जो आर्टिकल्स हैं वो 36 से लेकर के 51 तक आते हैं, 36 to 51। उसी के तहत हमारे इनको तीन भागों में हम इसको बांट सकते हैं। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि डीपीएसपी को हमने कहाँ से लिया है, तो भारत के संविधान में इनको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। वैसे तो इनको 1935 के एक्ट से लिया है, लेकिन 1935 में इसको आयरलैंड से ही लिया गया है। और हमारे समाजवादी सिद्धांतों का जो आर्टिकल आता है 39, ये पहली बात ध्यान रखें, ये समाजवादी, क्योंकि तीन तरह से इसको बांटते हैं, समाजवादी सिद्धांत है, उदारवादी है, गांधीवादी है। तो ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत आर्टिकल 39 में इसका उल्लेख है कि समान काम के लिए समान वेतन राज्य देने की बात करेगा, चाहे महिला हो पुरुष हो, सबके लिए सब समान है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के जनक कौन है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म? अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे बताइएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार के जनक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह एंड इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है, जल्दी कमेंट करिए और बताते रहिए लगातार। उसमें भाई, इसमें भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे प्रिया जी, कल ऐसे ही प्रश्न आएंगे। मनमोहन सिंह आपने लिखा है, बिल्कुल बात सही है। मनमोहन सिंह जो है, इनको इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का हम जनक कहते हैं। आपको पता है कि जब ये नरसिम्हा राव की सरकार में भी ये मंत्री थे, तो उनके समय में 1991 में अर्थव्यवस्था में सुधार किया गया था, एक एलपीजी व्यवस्था लाई गई। एलपीजी का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस बिल्कुल नहीं है, एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब है निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, वैश्वीकरण।
इनके अलग अलग अर्थ होते हैं। प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजी लोगों का भी थोड़ा हाथ अर्थव्यवस्था में बढ़े, उदार थोड़ा सा हम उदार प्रक्रिया को अपनाएं, और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था कि जब डोमेस्टिक इकोनॉमी का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ हम मर्ज कर देते हैं ताकि आप ये देखें कि विश्व के साथ भी व्यापार करने में भारत की थोड़ी बढ़ोतरी हो व्यापार के संदर्भ में। और दूसरी बात यह है कि विश्व में जो भी अर्थव्यवस्था में घटनाएं हो रही हैं उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़े। तो ये है 1991 में, इसी के लिए इनको अर्थव्यवस्था में सुधार का जनक कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि इनमें से किसे विघटित नहीं किया जा सकता, दीजिए जवाब। इनमें से किसे विघटित नहीं किया जा सकता, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा या इनमें से कोई नहीं। अपर हाउस, वेरी गुड। टिपू रॉयल, दीपक, सुनीता कौशल, बहुत आसान प्रश्न है यार। साहिल जी कैसी बात पूछते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे एग्जाम आपका जेओआईटी का हो, जेओआईटी में 120 क्वेश्चन के अलावा तो यही प्रश्न आएंगे ना, वो यही आते हैं। और ये ऐसे ही प्रश्न है जो कि कमीशन के एग्जाम में पूछे जा, वही तो है सामने आपके दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल हेल्पफुल है जेओए के लिए और हर किसी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। और इसी चीज को जानने की तो मैं बात करता हूं कि यही चीज तो समझनी है, पढ़ना क्या है और क्या नहीं। हम थंबनेल पे लगे रहते हैं कि बस जेओए होगा तभी पढ़ेंगे। किसे भी घटित नहीं किया जा सकता, तो आप ये ध्यान रखें कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है। आर्टिकल 80 में लोकसभा के बारे में बताया है, 81 में। और आप ये ध्यान रखें कि राज्यसभा में भी बताया गया है, 780 आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में है। और राज्यसभा के परमानेंट हाउस होता है, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, एक स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। क्योंकि ऐसा होता है, भंग क्यों नहीं होता, क्योंकि प्रति दो वर्ष में इसके एक तिहाई सदस्य जो होते हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि एक तिहाई सदस्य रिटायर्ड हुए उनकी जगह पे नए मेंबर्स आएंगे, इसलिए राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होती। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1950, 1951, 1952, 1953। शिवाय जी, अपर हाउस और लोअर हाउस में डिफरेंस क्या हो रहा है? अपर हाउस राज्यसभा को कहते हैं, लोकसभा निम्न सदन है। लोकसभा में जो लोग चुन करके डायरेक्टली भेजे जाते हैं, जहां पे हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनको चुनने के लिए, आम जनता भाग लेती है। राज्यसभा में जिन विधायकों को हम चुनते हैं वही विधायक उन राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं और फिर वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोकसभा में लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, समझ रहे जी। आपने लिखा 1952 जो कि बिल्कुल सही है। अगर आप बात करें तो एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। और इसका काम क्या है, आज तो खैर आप जानते हैं कि नीति आयोग है, लेकिन नीति आयोग 2015 में, इससे पहले लास्ट में हमारी 2012 में योजनाएं खत्म हुई, तो प्लानिंग कमीशन इससे पहले हुआ करता था। जिस तरह से नीति आयोग में जो भी नीतियां बनाई जाती हैं उसके तहत अगले स्तर पर एक गवर्निंग काउंसिल बनाई जाती है, उसी तरह योजना आयोग में जो भी योजनाएं बनाई जाती थी उनमें अंतिम रूप से स्वीकृति देने का काम इसी किसका होता था, राष्ट्रीय विकास परिषद का होता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का होता था। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो 1952 में इसकी स्थापना हुई और जो देश के प्रधानमंत्री होते थे वही इसके अध्यक्ष के रूप में, पदेन अध्यक्ष के रूप में काम करते थे, और राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके मेंबर होते थे, समझ रहे हैं। मैथमेटिक्स के कुछ प्रश्न है, उम्मीद है आप कुछ पेन पेपर लेके बैठे होंगे तब आप कर पाएंगे। क्या लगता है इसका जवाब क्या होगा, लिखा है 8988 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4, बताइए। तो इस प्रश्न को करने के लिए आप सीधा कर सकते हैं, इसमें करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 8988 और डिवाइड में 4 है, चाहे नीचे लिख के लिखिए चाहे इसको उल्टा कर दीजिए, इनटू में लेके जाना है 1/8 and 1/4। अब इसको आपने क्रॉस करना है, 8 1 8 and 8 1 8 1 and 8 2 16 and 2, यहाँ पे देखें 8 3 24, आगे बचे 4 और पॉइंट लगा के हम इसको 40 बना देंगे, 8 5 40, 8 5 40 होते हैं ना। और इसी तरह से आगे आप करेंगे तो फाइनली जब आप निकाल के इसको पूरा सॉल्यूशन करेंगे, फिर इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, तो फाइनली आपका जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 280.875। रेगुलरी क्लास है भैया,
शगुन खत्री जी रेगुलर क्लास है, समझ रहे हैं इसको किस तरह से करना है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि इफ 3/5 ऑफ द 60% ऑफ अ नंबर इज 36, द नंबर इज, यदि किसी संख्या के 60% का भाग 3/5 36 हो तो वो संख्या क्या होगी। इसको आसानी से किया जा सकता है, इसको दो तरीकों से किया जा सकता है। एक, आप उस नंबर को एज्यूम कर लें x के रूप में, या उस नंबर को 100 मान के भी आप कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, ये परसेंटेज का टॉपिक है, इसको किया जा सकता है। पहले आप थोड़ा सा करिए, मैथ्स बहुत आसान है, मैथ्स को टफ नहीं होता। यदि किसी संख्या के 60% का 3/5 36 हो तो वो संख्या क्या है, आप किस तरह से कर सकते हैं। पहले आप ये देखिए कि उस संख्या को आप x मान के भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एज्यूम कर लिया कि वो संख्या x है, हमसे पूछा है कि उसके 60% का भाग, तो इसका 60% यानी 60/100, और आगे लिखा है कि 3/5 × 3/5 वो कितना होगा, 36 होगा, तो वो संख्या क्या है। अब आप क्या करेंगे, x का मान निकालना है, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 36 लिखेंगे और ये सभी वहां पे जाके उल्टा हो जाएगा, 100/60 and 5/3। यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू 100, तो वो संख्या क्या है, 100 ही है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। इसी तरह आप इसको 100 एज्यूम करके भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ये मान लिया कि वो संख्या है 100, अब 100 का 60% 60 ही होता है, 100 का 60% 60 होता है। अब 60 का 3/5 यहाँ पे लिखा है 36, 60 का 3/5, यदि 5 की वैल्यू 60 है तो 3 की कितनी होगी, 3 की कितनी होगी, 36 होगी, यानी 60/5 यानी 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, 3 की 36 आएगी, तो यही तो आपसे पूछा है, ये बात समझ रहे हैं। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो संख्या कितनी होगी, 100, आसान है ना। चलो आगे देखिए, इनमें से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट, बताइए। देखो इस प्रश्नों को करने के तरह तरह के मेथड्स हो सकते हैं, मुझे नहीं पता आप कौन से मेथड्स इसको करते हैं, अगर आपने कभी किया भी है तो। इसको निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको निकालना है लार्जेस्ट कौन सा लोएस्ट कौन सा है, तो आप ऐसा करें जैसे ये लिखा है 7/8, अब आप देखें कि इसमें से डिफरेंस इन दोनों का कितना है, तो इनमें डिफरेंस 1 का है, तो आप इस 8 को आप 1 से डिवाइड करेंगे। यहां पे देखें डिफरेंस 3 का है, आप 16 को 3 से डिवाइड करेंगे। 31 और 40 में जो डिफरेंस आता है वो 9 का आता है, तो 40 को आप 9 से डिवाइड करेंगे, और 63 में से आप जब डिवाइड करेंगे तो यहां पे कितने करेंगे, 63 और 7 70 10 80 यानी 17 17, इससे आप डिवाइड करेंगे। अब इसको आप मान जब निकालेंगे तो इसी तरह से आप करते चलिएगा, तो इसका आएगा 0.125, इसका आएगा 0.125, यानी 1 से करेंगे तो 1 से जाएगा नहीं, 0 लगाना पड़ेगा, फिर इसको 1 हो जाएगा, 8 1 जाए 8, और 2 बचे, फिर उसको कर देंगे, फिर आगे इस तरह से ये निकल के आएगा। उसके बाद में आएगा इसका, अगर आप करके देखें तो 0.187 आएगा, ठीक है, 0.125 0.187 0.220, इसका 0. ये मैंने पहले निकाल कर रखा है 0.221, ठीक है, इस तरह से ये निकल के आएगा। तो यहाँ पे मान किसका ज्यादा होता है, जिसका कम वैल्यू आए, तो यहाँ पे देखें सबसे बड़ी जो भिन्न है, यहाँ पे जीरो के पॉइंट के बाद आप ऐसा ना देखें, यहाँ से अगर पहले हो तब तो वो ज्यादा ही मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जितना कम आएगा पॉइंट के बाद वो उतना बड़ा होता है, तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन ए ही सही होगा, ठीक है, आसान है। अगला देखिए बहुत आसान प्रश्न है, एवरेज तो आप निकाल ही लेते हैं, द एवरेज ऑफ द नंबर्स 15, 5, 0, 12 and 8, संख्याएं लिखी हैं 15, 5, 0, 12 और 8, इसका औसत क्या है। तो औसत आप कैसे निकालते हैं, आपके पास कुल कितनी संख्याएं हैं उनका योग, उनको ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, संख्याएं कितनी है, पहले आप जो संख्याएं दी हैं उनका योग करेंगे, उनको ऐड करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, नंबर्स कितने हैं। यहां पे आप देखें तो बहुत आसान है, 15 और 5 20 20 10 32 और 2 34 34 और 8 40, 40 है आ गया, और डिवाइड कर देंगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5 5 8 जा 40, आप देखें तो संख्याओं का औसत जो निकल के आ रहा है 8 आ रहा है, आसान है, 8 है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है अ नंबर इज एज मच greater than 22 as is less than 72,
कोई संख्या 22 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 72 से छोटी है, आपको बताना है वह संख्या क्या है। इसको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए उलझने से अच्छा है कि आप ऑप्शन की सहायता से करें। मैथ्स जिनको नहीं आता है एक बार वो ऑप्शन से करना सीख लेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब आपसे पूछा है कि कोई संख्या 22 से उतनी ही बड़ी है जितनी 72 से छोटी है। अगर आप इस ऑप्शन के हिसाब से चले तो मान लीजिए हमने 47 को लिया, है ना। अब आपसे पूछा है कि 47 22 से उतना ही बड़ा है, तो 47 से 22 का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 7 में से 2 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, 25। यानी 22 से 25 बड़ी है 47, और आपने लिखा है कि 72 से भी उतनी छोटी होनी चाहिए, तो 72 में से अगर 47 को माइनस करेंगे तो 12 में से 7 गया 5 और यहां पे रह गया 6 में से 4 गया 2। तो पहला ही ऑप्शन करके आप सही निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे प्रश्नों को तो ऑप्शन से आसानी से किया जा सकता है, इसका तरीका भी हो सकता है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हमसे पूछा कि कोई संख्या 22 से उतनी बड़ी है जितनी 72 से छोटी है, हमने पहले ऑप्शन को लिया और आपने ये देखा कि 22 से 25 बड़ी है 47 और 72 से भी 25 कम है 47, तो दोनों ही कंडीशन हमारी फुलफिल होती हैं, तो इस हिसाब से आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। इस प्रश्न को समझ गए ना आप कैसे करना है, ऑप्शन से किया जा सकता है। अगला देखिए, Which of the following is not included in the directive principle of state policy? इनमें से क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? ऑप्शन लिखा है मध्य निषेध, कार्य का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन और सूचना का अधिकार। बताइए क्या लगता है? इतना डर क्यों रहे हैं भाई मैथ से? आप आगे भी आएंगे, अभी मैथ्स के प्रश्न और आएंगे, मैं बता दूंगा। बाकी एक दो क्लासेस आपके लिए ले आऊंगा, मैं भी आपको समझा देंगे। मेन टॉपिक आपने पढ़ने हैं परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एंड देन आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ सकते हैं, सरलीकरण जिसको कहते हैं, वो आसान होता है। आपने लिखा है सूचना, यहाँ पे देखिए कि इनमें से क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। देखिए अगर आपको याद होगा तो पहला लिखा है मध्य निषेध, यानी जो भी आपकी ड्रग्स हैं, दवाइयां हैं या मदिरा है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत होना चाहिए और राज्य का कर्तव्य है कि वो मदिरा या इस तरह की जो ये हानिकारक दवाइयां, मतलब ये जो इस तरह की मदिरा है, ड्रग्स है, इस तरह के प्रतिबंध लगाए। तो ये बात हमने पढ़ी थी और ये बात लिखी है ना आर्टिकल 47 में लिखी है। समान काम के लिए समान वेतन, ये हमने पढ़ा अभी आर्टिकल 39 में। काम करने का अधिकार भी, और आपने सब कुछ पढ़ा है, हालांकि मैंने नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो करवाए हैं, तो आपने कार्य का अधिकार भी पढ़ा है, तो ये सभी बातें। बाकी सूचना का अधिकार ये नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। अगर आप यहां पर देखें तो डी ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, अगर आपको याद होगा तो हमने सूचना का अधिकार अभी कुछ दिन पहले पढ़ा, तो वहां पे भी हमने पढ़ा था कि 12 अक्टूबर 2005 को ये किया गया था। बाकी सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार आपका हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तरह तरह की रही है, चाहे एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया हो या तरह तरह की और भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय रहे, उसमें ये कहा गया है कि आपके पास सूचना का अधिकार जो है वो आपके आर्टिकल 19 और 21 का हिस्सा है। यानी आर्टिकल 19 जो कहता है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप अपने आप को अभिव्यक्त एक्सप्रेस तभी कर पाएंगे जब आपको इस संबंध में सूचना होगी। आर्टिकल 21 जो कहता है कि आपके पास जीवन जीने का अधिकार है, तो आपके पास सूचना होगी तभी तो एक अच्छा गरिमामय जीवन आप जी सकते हैं ना। ठीक है, अगला देखिए, बहुत आसान प्रश्न है। Who elects the Vice President of India? भारत के उपराष्ट्रपति को कौन चुनते हैं? बताइए। वही निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति को चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्य, संसद सदस्यों से निर्मित एक निर्वाचक मंडल या संसद और राज्य विधान मंडल के सदस्य। प्रश्न पढ़िए और दीजिए जवाब। क्या लगता है? रितेश चौहान जी नमस्कार, गुड इवनिंग।
आप प्रैंकी बॉय, कौशल, सुनीता, विपन, पूनम नरियाल, नेहा भारद्वाज, श्वेता खान, शुभम, कुसुम लता जी बी ऑप्शन लिख रहे हैं। कुसुम जी क्या हो गया भाई? वो मेरे भाई लोगों, ये रेगुलर स्टूडेंट्स हैं मेरे। ये बी लिखने वाले कौन है? अभी बी होगा प्रीति शर्मा, बी होगा, बी होगा। बहुत बुरी हालत है भाई, ये तो रोज देखने वालों की ये हाल है। बी कैसे होगा? भारत के उपराष्ट्रपति को सिर्फ राज्यसभा के लोग चुनते हैं, ये आपने कहां पढ़ लिया भाई? मैं बहुत बुरा लग रहा है मुझे। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को चुनने की बात हो तो उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों ही लोग चुनते हैं, लेकिन इसमें फर्क क्या है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन कॉलिजियम में? इसमें लोकसभा के भी सभी मेंबर, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों, राज्यसभा के भी सभी मेंबर निर्वाचित और मनोनीत दोनों, इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों ही लोग भाग लेते हैं, जबकि प्रेसिडेंट के कॉलिजियम में सिर्फ इलेक्टेड लोग भाग लेते हैं। हटाने की बात आएगी तो इसमें आप देखें कि राज्यसभा यदि अपनी उस समय मौजूद संख्या के बहुमत से प्रस्ताव पारित करे और लोकसभा की सहमति मिल जाए तो उनको हटा सकती है। वो सिर्फ राज्यसभा के सभापति हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ राज्यसभा उनको चुनती है। ये आपने कहां पढ़ लिया? और सभी बी लिखे जा रहे हैं, बहुत हद है यार। प्रीति शर्मा और ये देखो रोज देखने वाले। तो क्या होगा? संसद सदस्यों से निर्मित एक निर्वाचक मंडल, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। निर्वाचक मंडल का मतलब है कि संसद सदस्यों से निर्मित हुआ उनका एक इलेक्शन कॉलिजियम बनेगा। निर्वाचक मंडल का यह मतलब यहां पे नहीं है कि इसमें सिर्फ इलेक्टेड लोग लिखे हैं, यह लिखा है यहां पर कि इलेक्टोरल कॉलेज है। कॉलेज का मतलब है जो राष्ट्र उपराष्ट्रपति को चुनेगा, समझ रहे हैं आप? देखो ये सेम वही जो राष्ट्रपति को चुनते हैं, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें इलेक्टेड भाग, इसमें नॉमिनेटेड भाग नहीं लेते। राज्यसभा अकेली गलत हो जाएगा, विधानमंडल भाग लेता नहीं, तो सी ऑप्शन सही होगा। अभी भी कुछ लोग डी लिखे जा रहे हैं, कैसे होगा भाई? मेरी बात किस किस को समझ में आ गई? और दूसरी बात, अगर आपसे राष्ट्रपति पूछा जाए तो राष्ट्रपति को चुनने के लिए सिर्फ इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं, जिनको हम हिंदी में निर्वाचित सदस्य कहते हैं। वो निर्वाचित सदस्य लोकसभा के, वो निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के, वो निर्वाचित सदस्य 28 राज्यों के भी हो सकते हैं, विधानसभा के ये भी हैं, साथ में दो यूटीज जहां पे अपनी विधानसभाएं हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। भाई आप ऐसी ऐसी मिस्टेक करोगे तो सच में ये हानिकारक हो सकती है, बहुत हानिकारक। और मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं, जिस 1.5 साल से आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं यहां पे, और यही बातें आज तक पता नहीं चली। उपराष्ट्रपति मान लिया कि राज्यसभा के सभापति है, लेकिन ये किसने कह दिया कि वो उसको राज्यसभा चुनती है? और ये बातें, चलो छोड़िए यार। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर द, कौन सा आएगा ये बताइए जरा, इसका जवाब दीजिएगा जरा, सोच समझ के देना है और अभी गलत मत दीजिएगा। क्या लगता है? केंद्र और राज्यों के बीच में विवादों के निर्णय की उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति है वो किसके अधीन है? ये सब पढ़ना है तो अगली क्लास में आइएगा, जहां पे हम टॉपिक को पढ़ेंगे। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कल भी क्लास नहीं देखी, जो इससे अगली क्लास अभी इस क्लास के जस्ट खत्म होने के बाद आएगी, उसमें हम पिक्चरल क्लैरिटी के माध्यम से समझेंगे क्या है। तो उसमें जब हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां पढ़ेंगे तब इन बातों को भी जान लेंगे। सी आपने लिखा है, सी ऑप्शन लिख रहे हैं, कुछ बी लिख रहे हैं, सी यानी कि मूल क्षेत्राधिकार जी। देखो अगर हम बात करें, परामर्शी क्षेत्राधिकार का मतलब है कि ये सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को किसी कानूनी विषय पर, किसी संविधान से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो उस पर एडवाइस दे सकता है, परामर्श दे सकता है, ये बात लिखी है आर्टिकल 143 में। मूल क्षेत्राधिकार, इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच में, या दो से अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद हो तो उसकी सुनवाई ये कर सकता है।
अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि जैसे हमारा सेशन कोर्ट है, इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, इसके ऊपर हाई कोर्ट आएगा, फिर देन सुप्रीम कोर्ट आएगा। तो इस तरह से अपील बाई अपील ये सुनता चलेगा, इसकी करें अपीली क्षेत्राधिकार। बाकी संवैधानिक क्षेत्राधिकार भी होता है, लेकिन ये पूछा है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो होगा उसको हम कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, यानी कि मूल क्षेत्राधिकार। चलो बताइए, यहाँ पे थोड़ा ठीक है शायद, किसी संख्या के एक तिहाई के 3/4 का 1/5 अगर 24 हो तो उसी संख्या का 10% क्या होगा, बताइए जरा। इफ 1/5 ऑफ 1/3 ऑफ 1/3 ऑफ अ नंबर इज 24, देन व्हाट विल द 10% ऑफ द सेम नंबर, क्या लगता है बताइए। किसी संख्या के एक तिहाई के 3/4 का 1/5 भाग अगर 24 हो तो उसी संख्या का 10% क्या। इसको दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसके निकालने के, बताइए जरा मुझे क्या लगता है, निकाल सकते हैं आप। चलो मैं ही निकाल देता हूं। किसी संख्या के एक तिहाई के 3/4 भाग अगर आप देखें, यहां पे आप इसको एक्सेज्यूम करें, वो संख्या है इसका एक तिहाई का 3/4 का 1/5 यदि 24 है तो उसका 10% निकालना, चलो वो बाद की बात है। x इस तरफ ले आएंगे, इक्वल टू करेंगे, यहां पे 24 है और ये दूसरी तरफ जाके उल्टा हो जाएगा 3/1 4/3 और इंटू 5/1, 3 से 3 गया। अब इसको निकालेंगे, 24 चौका 24 4 जा 96 एंड 96 5 जा 480, 480 आएगा। अब आपको पूछा है कि उस 480 का 10% क्या होगा, तो 448 का 10% निकालना है, एक जीरो छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, आप देखेंगे 48 इज राइट आंसर, 48 आसान है ना, 48। 35 का 20% इज इक्वल टू 17 का कितना परसेंट, 35 का 20% 70 के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, आसान प्रश्न है बहुत, ऐसे प्रश्नों में पेन भी नहीं उठाना पड़ता। 35 का 10% 3.5, क्योंकि हमें 10% निकालना तो 0.1 के बाद लगा देंगे, 35 का 10% 3.5 हो गया, 20% निकालेंगे कितना होगा, 7 होगा। अब 7 70 का कितना परसेंट है, 10% है, कोई पेन उठाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है, जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही निकालेंगे ना, 35 का 20% कितना होता है, 10% 3.5 है तो 20% होगा 7, 70 का 7 कितना परसेंट होता है, 10% है, इतने आसान नहीं आएंगे, पर चलो हमारी दूसरी क्लास है ना, नहीं तो छुट्टी तो मैं आसान वालों की इतनी करता हूं ना, करेंगे मैथ्स का भी करेंगे छुट्टी, अभी देखिए आपने तो अभी लेवल ही देखा ही नहीं है ना, आइएगा कभी क्लास में सुबह 11 बजे टाइम लगे, या इससे पहले भी क्लास हो चुकी है, खैर चलो मौका देंगे आपको, इतना करिए, बाकी आसान टफ चलता रहता है हमारे यहाँ पे। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 22 साल है, यदि एक व्यक्ति उनके साथ जुड़ जाता है, बढ़ जाता है ना, तो उनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो जो व्यक्ति नया आया उसकी आयु कितनी है, ठीक कैसे हो गया बताइए। थ्री लिखा है बताइए, 3 व्यक्तियों की औसत आयु, द एवरेज एज ऑफ 3 पीपल इज 22 इयर्स, इफ 1 पर्सन ज्वाइंस देम देयर एवरेज एज इंक्रीजेस बाय 1 ईयर, देन व्हाट इज द एज ऑफ द पर्सन हु केम, क्या लगता है। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 22 साल है, इसको निकालने के लिए बहुत आसान प्रश्न है, 3 व्यक्तियों की औसत आयु एवरेज जो उनकी एज है वो 22 साल है, 3 की कितनी है 22 साल, इसको कर लीजिए टोटल एज निकालिए तो 66 आएगी। अब एक व्यक्ति उनके साथ जुड़ जाता है, हाँ एक व्यक्ति और उनके साथ ऐड हो जाता है तो वो 1 साल और बढ़ जाती है, यानी कि 3 की जगह 1 और बढ़ गया तो आप देखेंगे 4 लोग हो गए, और एवरेज उनकी कितनी बढ़ जाती है वो भी 1 साल बढ़ जाती है, पहले 22 साल थी अब कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी, तो आप इसको निकाल के देखिए 22 66 और 23 चौके कितने होते हैं 92। अब 92 से आप 66 माइनस करेंगे तो आएगा 26, तो यही जो व्यक्ति नया आया उसकी एज कितनी है 26 साल,
आसान है यारी, मुझे लगता है पीडीएफ में गड़बड़ी हुई है बनाते टाइम। पांच मित्रों की औसत आयु 40 साल है, उनमें से एक जो है दोस्त उनका चला जाता है, तो अब औसत आयु 38 साल हो जाती है, तो हटाया गया जो मित्र है उसकी आयु कितनी है, जो हटाया गया दोस्त है उसकी आयु कितनी है। जी बहुत अच्छी बात है, हाँ बिल्कुल 26 आएगा। कैसे निकालेंगे इसको, तो अगर आप इसको यहां से देखें कितनी है पांच की 40 है, तो इसको ऐसे निकाल देंगे 200 आएगी, उनमें से एक चला जाता है तो आयु 38 हो जाती है, यानी पांच में से एक या चार 38 हो जाती है, तो 38 में से कर देंगे 152, इसको माइनस करेंगे तो 200 में से 152 गया, तो आप यहां पे देखेंगे बी ऑप्शन इज सही, 48 इयर्स। आसान प्रश्न है, किया जा सकता है, ये हो गया ना। चलो ये बताइए आप, प्रश्न को देखिए, हु वॉज द रूलर ऑफ बुशहर स्टेट वेन 1857 रिवॉल्ट टुक प्लेस, जब 1857 की क्रांति हुई उस समय बुशहर राज्य का शासक कौन था, शमशेर सिंह था, मोहिंदर सिंह था, छतर सिंह था, पदम सिंह था, बताइए क्या लगता है इस प्रश्न का क्या जवाब होगा। सभी प्रश्नों के एक एक करके जवाब देते चलिए। भागड़ राज्य की स्थापना किसने की, सुंदरनगर शहर का पुराना नाम, आसान प्रश्न है। जालजा जी गुड इवनिंग, ए ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल जब ये क्रांति हुई तो उस समय जो राजा था उसका नाम था शमशेर सिंह। अगला देखिए, भागल राज्य की स्थापना किसने की, तो किसने की थी, अजय देव, अजय डे, ठीक है बहुत अच्छी बात। अगला देखिए, सुंदरनगर शहर का पुराना नाम क्या था, सुंदरनगर शहर का पुराना नाम था, यहाँ पे बरेद लिखा है, वैसे इसका नाम बनेड है, ठीक है। ये प्रश्न सभी पूछ रहे हैं, जैसे नालागढ़ का हिंडूर है, बैजनाथ का किरग्राम है, ये सभी आप कर लें। अगला देखिए, कुल्लू वंश का सबसे सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, हु वाज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ कुल्लू डायनेस्टी, हाँ ये भी अजय देव है, वैसे अजय डे लिखा है इन्होंने यहाँ पे, बताइए कुल्लू वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, हाँ जी बिल्कुल बनेड है। अगला देखिए कौन है इसका, महेश्वर सिंह, पदम सिंह, बहादुर सिंह और फिर लिखा है जगत सिंह, जी बिल्कुल बहुत सही लोगों ने लिखा है जगत सिंह, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हिस्ट्री के बाद अभी हम ज्योग्राफी शुरू कर देंगे, इनमें से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख, एयर स्टाफ का प्रमुख या लोकसभा का स्पीकर, आसान प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, स्पीकर, आपने लिखा है स्पीकर, कुछ लोग ए लिख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लोकसभा स्पीकर, आज प्रश्न आए नहीं, अभी प्रश्न आगे भी हैं, ज्योग्राफी के भी हैं, हिस्ट्री के भी हैं, लेकिन टाइम ऐसे ही हो जाता है। अगला देखिए, संघ सरकार का सबसे ऊंचा सिविल सेवक कौन है, कैबिनेट सेक्रेटरी, अटॉर्नी जनरल, गृह सचिव या प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव, बताइएगा हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, कैबिनेट सेक्रेटरी, अटॉर्नी जनरल, होम सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, साइंस के भी हैं, साइंस के आज नहीं है लेकिन किए नहीं है, लोकसभा स्पीकर हो गया, बताइए जल्दी से इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब देखना चाहता हूं मैं जल्दी, कि संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक कौन है, क्या लिखा आपने, बी ऑप्शन लिख रहे हैं, कुछ लोग ए लिख रहे हैं, ए, जिनका जवाब है ए वो बिल्कुल सही है, कैबिनेट सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, पूरे भारत का सबसे बड़ा सिविल सेवक जो होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, जो कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में उनके सेक्रेटरी के रूप में काम करता है। अगला देखिए, आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए, प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल विद इन एक महीने के अंदर, दो महीने के अंदर, छह महीने के अंदर, एक वर्ष के भीतर,
बताइए बताइए जल्दी बताना है, अभी टाइम बहुत लगा रहे हैं आप। तो लास्ट ही करते हैं, फिर हमारी नेक्स्ट क्लास है, फिर देखते हैं। हाँ बताइए, तो आप जवाब दीजिए ना, मैं तो फर्स्ट करूंगा। आपातकाल की उद्घोषणा संसद के समक्ष कितने टाइम के अंदर रखनी चाहिए? तो एक महीने के अंदर, ये बात बिल्कुल सही है। एक महीने के अंदर अगर आर्टिकल 352 के तहत नेशनल आपातकाल लगता है, और अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा 2 महीने के अंदर, वित्तीय आपातकाल लगेगा 2 महीने के अंदर। अगला देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाना है तो प्रस्ताव हमेशा केवल राज्यसभा में रखा जाएगा। इनमें से कौन सा राज्य लोकसभा की केवल एक सदस्य चुनता है? तो अगर इसको आप देखें तो सदस्य चुनता है वो है सिक्किम। सिक्किम एक सदस्य चुनता है लोकसभा में, और बाकियों की बात करें, त्रिपुरा 2, मणिपुर 2, अरुणाचल प्रदेश 2, सभी 2-2 सदस्य चुनते हैं और सिक्किम एक सदस्य चुनता है। अगला देखिए, ये तो हो गया ना, इसको देखिए, संधि विच्छेद आपसे पूछा है। व्यायाम, व्यायाम का क्या होगा? वी और आयाम, ये जो है इसका संधि विच्छेद होगा। शयन, शयन का होगा शे और अन। सदाचार, इसका क्या होगा? सत और आचार, ये सद और आचार, सदाचार, सदाचार का होगा सद और आचार। हाँ, सर का सत और आचार नहीं होगा। निर्गुण, निर्गुण का क्या होगा? बहुत आसान है, निह धन गुण, इसमें विसर्ग वाला आएगा, और विषम में वि और सम, ठीक है जी। ये आप ध्यान रखें, और सदाचार का कोई बताएगा मुझे अभी? लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है सही सत या आचार होगा, सदगुण, सत, हाँ यही होगा, वैसे सी ऑप्शन होगा, ही होगा मेरे हिसाब से, है ना। सत और आचार, जैसे सद्गुण होता है तो सत और गुण, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, और अभी इसके बाद जो हमारी अगली क्लास है, अभी 5 मिनट में आपके बीच में हाजिर हो जाऊंगा, और उसमें हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें हम जुडिशियल पावर्स, डिप्लोमेटिक, और भी जो उनकी फिनेंशियल पावर है राष्ट्रपति की, जो व्यवहारिक रूप से उनके पास है, वो क्लास हम देखेंगे। तो अभी आप थंबनेल देखिए राष्ट्रपति, उस क्लास को एक बार जरूर देखिए ताकि आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। तो थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। अभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वो पुलिस एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहे। थैंक यू।